भाई अपन जा रहे हैं पुरानी दिल्ली, सदर बाजार मार्केट और चांदनी चौक। हम जा रहे हैं मेट्रो से, और सबसे इजी वे है जाने का मेट्रो से, क्योंकि अगर अपने गाड़ी से जाओगे, अपने टू व्हीलर या किसी भी अपने पर्सनल व्हीकल से जाओगे, तो भाई बड़ी टेंशन हो जाती है पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। और तो इसलिए ये क्या नाम मेट्रो से जाना बेटर रहता है। और मेरे घर से 10-11 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बच्चों को इसलिए नहीं ले क्या है, क्योंकि यार चलना बहुत होता है, और बच्चों को लेके साथ में जाएंगे तो बोलेंगे पापा गोदी में ले लो या ले लो, वो एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो इसलिए अपन जा रहे हैं मेट्रो से, और बड़ा इजी वे है। और मैं कर रहा हूँ मेट्रो की वे कभी, क्योंकि मेट्रो से जाना सबसे ईजी होता है। और कुछ मुझे होली की शॉपिंग भी करनी थी, और कुछ बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी थी। अब लोग सोच रहे होंगे कि भैया इतनी दूर क्यों जा रहा है थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, क्या कर सकते हैं। मेन चीज़ है ऑनलाइन मंगा सकते हैं कुछ भी, हर चीज़ ऑनलाइन आ जाती है, घर में बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर लो, और वही कर रहे हैं सालों से। बट मेरा आज मूड हुआ कि मैंने कहा यार चलते हैं, और इस बार चांदनी चौक सदर बाजार भी देखना हो जाएगा, मैं अपनी वाइफ को भी दिखा दूँगा। और वही मिडिल क्लास सोच है मेरी आज से नहीं पहले से, तो कुछ पैसे बचेंगे, और सेविंग तो होती है, बट ऐसा नहीं कि वो सेविंग मैं घर में बचा के लेके आऊँगा, वो सेविंग खर्च तो वही करूँगा। और यह है कि इस बार में घूमना हो जाएगा। पहुँच गए हम 30,000 ही, अब 30,000 से ऑटो लेके पहुँचेंगे सदर बाजार। तो करनी है कुछ शॉपिंग करेंगे, और जितने भी पैसे बचेंगे बराबर मनी बिल से लेट टाइम पास हो जाएगा। दक्षु बोल रही थी, वो पापा कैप वाले जाना तो अरे ले लो रेडी कोई भी है। अरे दक्षु ये वाले बोल रहे थे। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है आने में, बट हाँ चौके लगूंगा भी डॉन में से। जी जी ना, बोले के साथ मैच करते हैं। अक्षु ये प्रतिष्ठा ऑलमोस्ट सेम सेम है ना, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, वरना लड़ाई बचेगी दोनों की। और मेरे लिए बॉडी का मैच करता हूँ, बॉडी से मैच करता। ट्रेन का वेट कर रहे हैं भाई, शॉपिंग हो गई, शॉपिंग की है ज़्यादा नहीं, बट सेविंग बहुत सारी की है। अब मेन पर्पज़ ये था कि इतनी मतलब मैं सेविंग के पीछे भी रहता हूँ, पर दिमाग यूज़ करना चाहिए, अगर कहीं पैसे बच सकते हैं तो बचाना सीखो, और वो पैसे मस्ती करने में यूज़ करो। ज़बरदस्ती दुनिया को फालतू पैसे देके क्या फ़ायदा, तो वही चीज़ें तुम्हें आधे से कम रेट में मिल रही है। तो भाई मेरा तो यही फंडा है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। मैंने तो 5,000 की चीज़ 2,000 में खरीदी, और 2,000 में खा चुका हूँ, अपने ऊपर खर्च कर चुके 1,000 रुपये भी बचे। तो यही होना चाहिए लाइफ का फंडा, ज़्यादा
शॉप करके आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो पैसे भी बचाओ, खर्चा भी करो, चीज़ें भी खरीदो, तो इसको बोलते हैं बुद्धि, ब्रेन का यूज़ करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें मैंने केवल 2,000 रुपये के अंदर अंदर ली, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट में मैंने देखी थी 5,000 रुपये तक की थी। अब 2,000 खर्च करे चीज़ें खरीदने में, और 2,000 के करीब हम दोनों ने खाया पिया, मस्ती करी, और हमारा उसमें आने जाने का टिकट वगैरह सब हो गया, 1,000 फिर भी बच गए हैं। तो भाई साहब, ऐसी छोटी मोटी सेविंग्स से होता तो कुछ नहीं है, बट ये है कि फालतू पैसे क्यों देने हैं जब हमें पता है कि इतने में चीज़ें आनी है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं, तो आप ऐसे एफर्ट्स कर लेने चाहिए कभी कभी, और दुनियादारी के बारे में भी पता चलता है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ या लोकल शॉप से खरीदो, तो दुनिया के बारे में इतना नहीं पता चलता है, तो चीज़ें इतनी महंगी नहीं आती हैं जितनी दिखती हैं। तो कभी कभी इस तरह की मार्केट में भी जाना चाहिए। और ये मैं होली के दिन बढ़िया डिस्प्ले करूँगा हर चीज़ का, तो मैंने होली के लिए स्पेशली ख़रीदा, क्योंकि बाल छोटे हो गए ना मेरे अभी, तो ये विग मैंने इसलिए लिया है। होली के दिन बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे और मैं दिखाऊंगा होली के टाइम पे। चलो, आज का बस ये छोटा सा ब्लॉग बनाया, तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टाटा।